अम्बाला पटेल टीटी जी से, उनके इस बारे में क्या राय है? हाँ जी, ऐसा है कि महाराष्ट्र जलगांव के रहने वाले और ब्रह्मंत भी महाराष्ट्र खुद ही दवाइयाँ बनाते हैं और इनका 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फी रखी है। और कई लोग कल भी 50-60 आदमी आए थे, परसों भी 50-60 आदमी आए थे, आज भी लाइन लगी हुई है और सबको एक एक आदमी को पूरे संतोष से उनके जो भी प्रॉब्लम है, उनकी जो भी पीड़ा है वो उनको दूर करते हैं। जैसे कि अभी मेरे सामने महेंद्र सिंह राठौड़, उनका पैर भी हिलता नहीं था, हाथ भी हिलता नहीं था, आज उनको हाथ भी उठाया और पैर पर नीचे बैठ सकते हैं, उठ बैठ कर सकते हैं। ऐसे कल एक दर्जी आया था नागलपुर का, उनको पैरालिसिस था और बेड पर से उठ भी नहीं सकता था, कल उनको कम से कम 50 कदम उन्होंने चलवाया, इन्हें खुद ही दवा कर लेते हैं, खुद ही मालिश करते हैं। इस तरह से ब्रह्मा भी महाराज साहब का ये जो पूरी महाराज है, ये खुद ही दवाइयाँ करते हैं, खुद ही निदान करते हैं अपने को जो होता है, डायबिटीज़ होता है, बीपी है, या तो कोई कमर में दुख है। आजकल नैसान डिस्ट्रिक्ट में पानी फ्लोराइड है, फ्लोराइड युक्त पानी के हिसाब से ज़्यादातर दुख है, ये कमर का पेन होता है, पीछे अपने कमर का दुखा रहता है, संधिवा का रोग होता है, जो हड़ीपट्टी वो फूटती रहती है, घुटने में दर्द होता है, ये सब उनका निदान खुद कर लेते हैं, खुद ही दवाई दे देते हैं। और कई लोगों को कल जो गए, परसों भी गए, उनको एक ही दो दिन में उनको ज़बरदस्त राहत मिली है और इन सब लोगों को प्रेरणा भी मिल रही है। और महाराज साहब का ये कहना, हमने कल उससे बात भी कर ली है, तो महाराज साहब ने एक कहा है कि सब लोग का जो सहकार मिल जाए तो दीपावली के बाद यही एक मेडिकल सेंटर शुरू करना चाहते हैं, तो जिससे इन जो महसाना डिस्ट्रिक्ट के जी भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको सबको राहत मिल जाए। जैसा एक इनका एक और प्रेरणा दे रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करने वाले हैं। और महसाना डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर फ्लोराइड युक्त पानी का प्रॉब्लम ज़्यादा है और आजकल हार्डकोर का जो है वो उनका पेट ज़्यादा हो रहा है, सबको इसमें राहत मिल जाए तो काफ़ी लोगों को फायदा हो जाए। अभी जो है बाबा जी है ये चिकित्सा शिविर लगाया है, ये कितने दिन के लिए लगा है? ये अभी आज से 11 तक उनका है, 6 से लेके 11 तक का उनका सत्संग है और सुबह 9 से 12 तक ये दवाइयों निदान और दवाई दे रहे हैं। 8 दिन का उनका कोर्स है, 8 दिन तक सबको दवाई देते हैं, इसके बाद दीपावली के बाद ये हम मेडिकल सेंटर शुरू करेंगे और सब लोगों को बाद में हम भी चाहते हैं कि जब डॉक्टर और कंपाउंडर वहाँ से आएगा थोड़ा किफ़ायती रेट से लोगों को राहत मिल जाए, क्योंकि आजकल ऑपरेशन के लोग डॉक्टर्स लोग सीधी ऑपरेशन की एडवाइस देते हैं जो गलत है। कि महाराज साहब का ये कहना है कि ऑपरेशन इसमें नहीं होना चाहिए, कोई सर्जरी नहीं होना चाहिए, बिना सर्जरी सीधा ही दवाई से, और ये जो आयुर्वेदिक दवाई है वो खुद ही आयुर्वेदाचार्य है, तो आयुर्वेदिक दवाइयों से क्या होता है कि कोई आड़ असर नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है, इसीलिए ये दवाइयाँ दे रहे हैं और उससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है और सब लोग संतोष होकर जा रहे हैं। अच्छा, ये जो बाबा जी ने शिविर लगाया हुआ है इसमें कोई शुल्क लिया जा रहा है या नहीं शुल्क? हाँ, ये केवल रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपया रखी है, ताकि उससे क्या है कि सब रजिस्ट्रेशन फी तो होनी चाहिए और दवाई का कोई चार्ज नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन में ऑनली 100 रुपीज़ रखी है। इसके बाद दवाई कितनी भी हो, ये दवाई आप बाज़ार में जाओ तो बाज़ार में कम से कम 700-800 रुपये से कम ये दवाई नहीं मिले, मतलब बहुत ही कुछ नहीं है, दवाई का तो चार्ज है ही नहीं, खाली रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये रखी है। इनका जो ये तो खुद यहाँ जब कथा करने को आए तो उन्होंने कथा के बिना 1 रुपया चार्ज लेने का नहीं रखा है, सब फ्री ऑफ कथा कर रहे हैं। अच्छा, और शेखा साहब इसका आयोजन कर रहे हैं, ये राम सेवा समिति महसाना जो बहुत ज़बरदस्त सक्रिय है महसाना के लिए, जो हमारी रामनवमी होती है, रामनवमी रथ यात्रा निकलती है, तो रथ यात्रा का आयोजन भी श्री राम सेवा समिति करती है और श्री राम सेवा समिति के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर लोग हैं, ये खूब खूब इंटरेस्ट लेके ये काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं। अच्छा जी।